नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गुलाबगंज आनंद उत्सव के उपलक्ष्य में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुलाबगंज में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें संकुल स्तरीय विज्ञान मेला, खेल प्रतियोगिता, निःशुल्क साइकिल आदि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष राकेश शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, जनपद अध्यक्ष ब्रजेश लोधी एवं सचिन यादव द्वारा प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। संकुल स्तरीय विज्ञान मेला आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान संबंधित मॉडल तैयार किए गए। इस अवसर पर कई गणमान्य नागरिक एवं संस्था प्राचार्य खुशाल सिंह तोमर, हुकुमचंद सूर्यवंशी, संजय दीक्षित, अरविंद कटारे, इंदर सिंह जादौन एवं समस्त स्टाफ सहित उपस्थित रहा। लाडली लक्ष्मी बेटी कितनी हाथ उठाकर बताओ, इतनी लाडली लक्ष्मी बेटी हमारी बेटी हुई। एक समय था जब हमारे यहाँ बेटियों को एक ऐसे रूप में माना जाता था कि जब कभी अगर बहू के बेटी हो जाए तो सास मुसीबत खड़ी कर देती थी। पता नहीं कौन से बहू रस्ते आई है, मोड़ी हो गई, एक के बाद एक और हो गई तो और ज्यादा मुसीबत हो गई। ये स्थिति थी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बेटी को हमको वरदान बनाना है और लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की। अब लाडली लक्ष्मी योजना शुरू जब उन्होंने की तो शादी तक की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मामा के रूप में जो भांजियों का कन्यादान कराया, सामूहिक कन्यादान विवाह योजना में हम सब जानते हैं। स्कूल प्रांगण में जहां पीएलएम मेला आयोजित किया गया, वहीं आनंद उत्सव का भी कार्यक्रम यहां पर संकुल केंद्र पर आयोजित किया गया, जिसमें बेटियों को कबड्डी का खेल यहाँ पर आयोजित था। साथ ही नाइन्थ क्लास के हमारे बच्चों के लिए जो 5 किलोमीटर दूर से पढ़ने आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिनव योजना के अंतर्गत उनको आज यहाँ साइकिल 74 वितरित की गई हैं। वास्तव में संवेदनशीलता माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है दिखती है कि ऐसे बच्चों को जो 5 से 7-8 किलोमीटर दूर देते हैं और पैदल आने के कारण अपनी उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध कराकर उनको आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। समय जगत न्यूज के लिए गुलाबगंज से चंद्रमोहन रतोसिया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।